हाथ में लकड़ी का माइक नन्हे रिपोर्टर ने खोल दी अपने स्कूल की पोल। क्या जबरदस्त, आप भी बोलेंगे क्या बात है छोटे उस्ताद। देखिए ना वीडियो कहाँ का है, कब का है, क्यों बनाया, ये सब आपको बताएंगे। मगर उससे पहले नन्हे रिपोर्टर की वायरल होते अंदाज वाली एक बार फिर से ये तस्वीरें देखिए। स्कूल में पढ़ने आते आप लोग, अब स्कूल में क्यों ना पढ़ने आते हैं भाई? पढ़ने तो पढ़ाते नहीं है, मेहनत करने भी बहुत तकलीफ होते हैं। और पानी का व्यवस्था क्या होता है? पानी वहाँ बहुत दूर जाने पड़ता है। और इधर देखा कैमरा मैन, इधर आ रहा हूँ देखिए। अभी लैट्रिन का व्यवस्था मैं बताता जा रहा हूँ कि इस स्कूल में लैट्रिन का व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है ये बता रहा हूँ कि स्कूल में लैट्रिन का व्यवस्था करना चाहिए। क्या कर रहा है सरकार? चलिए ये भी जान लीजिए ये वीडियो कहाँ का है, कब का है। ये वीडियो है झारखंड के गोड्डा जिले का और ब्लॉक है महगामा। स्कूल है एक प्राथमिक विद्यालय। वीडियो में लकड़ी और प्लास्टिक की बोतल का माइक, और माइक जिस शख्स के हाथ में है वो है 12 साल का सरफराज खान, जो स्कूल की बदहाली का वीडियो बनाता है। इधर तक है कैमरा मैन, रूम में क्या भरा है देखिए, ये रूम में क्या भरा है देखिए, ये रूम में क्या है। सरफराज स्कूल में हर जगह पर जाकर बताता है कि स्कूल में ना शौचालय है ना ही पीने के पानी की व्यवस्था। ऐसा स्कूल क्या बच्चे लोग पढ़ने नहीं आता है? सर कैसा पढ़ने नहीं आता है? बोले क्यों नहीं आता है पढ़ने? आप लोग यहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है, और लैट्रिन भी खराब है, पानी भी का व्यवस्था नहीं है। वीडियो में शिक्षक की पोल भी खुद ही खोल दी, बताया कि कैसे शिक्षक अटेंडेंस लगाते हैं और फिर स्कूल से गायब हो जाते हैं। वीडियो में सरफराज खान ने ये भी दिखाया कि स्कूल में गंदगी का अंबार है, कक्षा में भी कचरा भरा है, उस कमरे को बंद कर दिया गया है, मिड डे मील के लिए खाना बनाने वाली जगह पर गंदगी ही गंदगी रहती है, स्कूल में सफाई तो हाय तौबा। आपको ये जानकर हैरत होगी कि सरफराज ने ये वीडियो क्यों बनाया। ये वीडियो इसलिए बनाया, जब सरफराज से पूछा गया कि वीडियो बनाने के पीछे वजह क्या है जनाब, तब उसने बताया कि जब मैं पढ़ता था तब भी यही हालात थे, पढ़ाई होती नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। अब मेरा छोटा भाई इसी स्कूल में पढ़ता है, इसलिए ये वीडियो वायरल किया है ना गजब की बात। भाई ने भाई के लिए वीडियो बना दिया और वो भी अपने दम पर, और हाँ वायरल भी हो गया। खबर है कि जब तमाम सोशल मीडिया पर ये वीडियो तैरने लगा, तो वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल के शिक्षक ने नन्हे रिपोर्टर के घर में जाकर उसके परिवार वालों को धमकाने की कोशिश भी की। फिलहाल ये आरोप है, आरोप ये कि स्कूल के शिक्षक ने उसके घर पहुंचकर उसकी मां को धमकाया। शिक्षक ने कहा कि बेटे को समझा दो नहीं तो थाने में शिकायत कर देंगे। वैसे तो वीडियो वायरल हुआ तो पूरा प्रशासन हरकत में आ गया, स्कूल का मुआयना किया और हालात बयां करती तस्वीरों को सही पाया। वाकई नन्हे से रिपोर्टर ने वो कर दिखाया जो अच्छे अच्छे धुरंधर पत्रकार भी नहीं कर पाते, ना कैमरा ना माइक, लेकिन साथ थी तो सरफराज के पास उसकी हिम्मत और उसका हौसला। हम तो बस यही कहेंगे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।